हाय हेलो दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आपके लिए बॉलीवुड की एक लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आखिरकार शाहरुख खान 2 साल के बाद फिल्मों में लौट आए हैं। तो दोस्तों, वह हमें यशराज बैनर के तले पठान फिल्म में दिखाई देंगे जिसकी शूटिंग नवम्बर में शुरू हो रही है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अब 3 फिल्में साइन कर ली है। पठान के अलावा दूसरी फिल्म वह राजकुमार हिरानी के साथ करेंगे और तीसरी फिल्म वह साउथ डायरेक्टर एटली के साथ करेंगे। तो दोस्तों, खबर तो यह आ रही है कि एटली की फिल्म जो करेंगे शाहरुख खान, उस फिल्म में वह हमें डबल रोल में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म में वह एक पिता और बाप बेटे दोनों के रोल में दिखाई देंगे, जिसमें पिता जो है वो रॉ सीनियर रॉ एजेंट है और बेटा जो है वो गैंगस्टर है। तो दोस्तों, एटली जो निर्देशक हैं साउथ के, वह जो भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं साउथ में, वह सभी फिल्में जो भी अभिनेता है उस फिल्म में वह डबल रोल में दिखाई दिया है या तो हमें ट्रिपल रोल में दिखाई दिया है। तो लगता है इसी कारण से एटली को शाहरुख खान की इस फिल्म में चुना गया है। तो दोस्तों, एटली ने साउथ में जो भी सभी फिल्में बनाई हैं वह सभी फिल्में हिट गई हैं। तो दोस्तों, अब देखना है कि एटली शाहरुख खान को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हैं या नहीं। तो दोस्तों, यही मेरे पे एक लेटेस्ट न्यूज आई अभी शाहरुख खान और डायरेक्टर एटली के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। बाय।